हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी शिफ्ट विद हक सिस्टर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक फेमस एसी क्रिटिसिज्म जो कि पर्सी बेशी शेली के द्वारा लिखी गई है, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये एक बहुत पॉपुलर क्रिटिसिज्म रह चुकी है और इस क्रिटिसिज्म की टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि इस क्रिटिसिज्म में पीबी शेली ने पोइट्री को डिफेंस किया है, क्योंकि बचाव में एक क्रिटिसिज्म लिख डाला है जिसका नाम उन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री दिया। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री एक एसी है जो कि एक रोमांटिक पोएट पीबी शेली के द्वारा लिखी गई थी। इस एसी को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क माना जाता है रोमांटिक एरा की। ये एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है जिसमें शेली ने अपना पोइट्रिक अप्रोच रखा है कि वो पोइट्री के बारे में क्या समझते हैं। इसीलिए ये एसी डिजर्व करती है एक क्लोजर एनालिसिस एंड एंगेजमेंट। शेली ने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री को 1821 में लिखा था एक रिस्पांस के फॉर्म में। किसके रिस्पांस के फॉर्म में? तो उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था थॉमस लव पीकॉक। उन्होंने एक एसी लिखा था जिसको टाइटल दिया था उन्होंने द फोर एजेस ऑफ पोइट्री। और थॉमस लव पीकॉक को कुछ और मेमोरेबल नॉवेल्स के लिए याद किया जाता है, जैसे कि नाइटमेयर एबे। तो थॉमस लव पीकॉक ने अपने एसी में द फोर एजेस ऑफ पोइट्री में काफी विटिंगली, मतलब काफी इंटेलिजेंटली ये आर्ग्यू किया था कि पोइट्री एक सरप्लस है इस मॉडर्न एज में। मतलब उनका कहना ये था कि आज की मॉडर्न एज में पोइट्री जैसे चीज का कोई इस्तेमाल नहीं करता। उनके हिसाब से पोइट्री एक सरप्लस है क्योंकि मॉडर्न एज की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज ने उसे रेंडर्ड किया था, उसे बताया था कि पोइट्री एक आज के हिसाब से अननेसेसरी है। 1821 में इस आर्टिकल के अंदर, द फोर एजेस पोइट्री के अंदर, थॉमस लव पीकॉक ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री को फोर हिस्टोरिकल कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट एज की पोइट्री को उन्होंने एज ऑफ आयरन कहा, सेकेंड एज ऑफ पोइट्री को उन्होंने एज ऑफ गोल्ड कहा और थर्ड एज ऑफ पोइट्री को उन्होंने एज ऑफ सिल्वर कहा, वाइल द फोर्थ एज ऑफ पोइट्री को उन्होंने एज ऑफ ब्रास कहा। फर्स्ट और आयरन एज ऑफ पोइट्री में ऐसी पोइट्री लिखी जाती थी जो बार्ड्स चीफ्स को सेलिब्रेट करने के लिए पोइट्री लिखा करते थे, और फिर सेकेंड एज ऑफ पोइट्री में पोइट्री अपनी परफेक्शन को अचीव कर चुकी थी। आफ्टरवर्ड सिल्वर एज आता है जिसमें सिल्वर एज को एज ऑफ सिविलाइज लाइफ भी कहा जाता है। एट लास्ट एज ऑफ ब्रास आता है। इस एज ऑफ ब्रास में लोग पोइट्री को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पीकॉक आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी एडवांस होते जा रही और ये सोसाइटी रीजन को फेवर करती है एज कम्पेयर टू पोइट्री। इस चीज का ये कॉन्सिक्वेंस हुआ कि पोइट्री जो है अब ब्रॉन्ज एज से पास कर रही। थॉमस लव पीकॉक के इस आर्टिकल से शेली काफी भड़क गए थे, इसीलिए उन्होंने एक क्रिटिसिज्म या आर्टिकल लिख डाला जिसका नाम था अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। इस एसे में शेली ये आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के दो मोड होते हैं, एक रैशनल और दूसरा इमेजिनेटिव। इन दोनों में वो क्लेम करते हैं कि इमेजिनेशन का ग्रेटर वैल्यू है एज कम्पेयर टू द रैशनल थिंकिंग। शेली के हिसाब से इमेजिनेशन एक एबिलिटी है जिसकी वजह से हम दो इरेशनल चीज के बीच में भी कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, और इसी की वजह से एक एम्पैथी और मोरल ग्रोथ इवोक होता है। शेली कहते हैं रीजन एक लॉजिकल थॉट है वाइल इमेजिनेशन एक परसेप्शन होता है, और शेली ये ऐड करते हैं कि रीजन जो है दो चीजों के बीच के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करता है, वाइल इमेजिनेशन दो चीजों की डिफरेंसेस को मिलाता है, साइमिल्टीट्यूड करता है। फ्रॉम रीजन एंड इमेजिनेशन, दोनों से ही, रीजन से ही और इमेजिनेशन दोनों से ही एक आदमी एक ब्यूटी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, वैसी ब्यूटी जिसकी वजह से कई सारे सिविलाइजेशन आ चुके हैं। शेली का ये मानना है कि ह्यूमन के नेचर में है ये कि वो दो अलग अलग चीज़ों में पैरेलल ढूंढता है और साथ ही साथ वर्ल्ड के हर एक चीज़ के अंदर हारमोनीज पैदा करने की कोशिश करता है, और दो अनकनेक्टेड चीज़ों में कनेक्शन जोड़ना ही आर्ट की हर्ट है या सोल है, और यही आर्ट जब प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसे हम पोइट्री कहते हैं। शेली ये आर्ग्यू करते हैं सिर्फ रीजन, बगैर पोइटिक इमेजिनेशन की, रीजन ने सिर्फ और सिर्फ हमारी इंसानियत को गुलाम बनाया है और साथ ही साथ इस वर्ल्ड में जितनी भी इनइक्वलिटी है उसके बढ़ावा दिया है, देन टू लिफ्ट एंड लिबरेट देम। शेली का मानना है कि जो सिंपैथी आर्ट और इमेजिनेशन से अरोज होती है उसी के अंदर इतना पावर होता है कि वो ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत और बेटर सिस्टम को इंस्पायर कर सके फ्यूचर के लिए। सिंपैथी एक की एलिमेंट है शेली की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ आर्ट। मतलब कि शेली के हिसाब से अगर कहीं आर्ट है तो उस आर्ट में सिंपैथी होना जरूरी है। मैं ये आपको बता दूं कि पूरे एसी के अंदर शेली ने दो चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट किया है, रीजन और इमेजिनेशन। शेली इमेजिनेशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू रीजन। शेली आर्ग्यू करते हैं कि रीजन जो है सिंपैथी प्रोड्यूस नहीं करता ह्यूमन माइंड के अंदर, और वो साथ ही साथ पॉइंट आउट भी करते हैं कि
इनलाइटमेंट पीरियड के दौरान कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ गई थी क्योंकि लोग ज़्यादा रीज़न के ऊपर फोकस करते थे। शेली आर्ग्यू करते हैं, ये काफ़ी इमेजिनेशन करने में ईजी है कि अगर क्या होता इस दुनिया में रैशनल फिलोसोफर एग्जिस्ट ही ना करते, तो ये काफ़ी ईजी है इमेजिन करने में, कोई दिक्कत नहीं होती उनके हिसाब से अगर इस वर्ल्ड में रैशनल फिलोसोफर होते ही नहीं। मगर इसके कॉन्ट्रास्ट में वो कहते हैं अगर इस वर्ल्ड में कोई बड़े बड़े पोएट जैसे होमर शेक्सपियर नहीं होते तो वर्ल्ड को इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल भरा था और वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं होता, काफ़ी क्रूअल वर्ल्ड होता। शेली आर्ग्यू करते हैं मेजर और अनमेजर लैंग्वेज के बारे में। जो मेजर लैंग्वेज है वो पोएट्री है जिसमें हम लोग मीटर्स का यूज़ करते हैं, सिलेबल्स पर लाइन का यूज़ करते हैं, और लेटर जो अनमेजर लैंग्वेज है उसे हम लोग प्रोज कहते हैं। तो पी बी शैली के हिसाब से पोएट्री जो है सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू प्रोज। इवन दोनों पोएट्री और प्रोज दोनों ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं मगर पोएट्री जो है उसमें साउंड निकलता है। द लैंग्वेज ऑफ पोएट जिसे पोएट्री कहते हैं उस पोएट्री के अंदर सर्टेन यूनिफॉर्म हारमोनियस रीअकरेंस ऑफ द साउंड होता है। अगर वो साउंड प्रोड्यूस ही ना हो तो वो पोएट्री कहलाएगी ही नहीं। जब पी बी शैली अपने इस एसी में पोएट्री को डिफेंड कर रहे हैं तो वो इस पोएट्री के आर्ट फॉर्म जैसे कि राइम मीटर ये सब बात करने की बजाय ज़्यादा फोकस सिंपथी पे करते हैं कि क्या वो आर्ट फॉर्म लोगों को सिंपथाइज करने की एबिलिटी दे रही है कि नहीं। सिंपथाइज करना मतलब अपने आप को दूसरे की पोजिशन में रख कर महसूस करना। तो शैली के हिसाब से कोई भी आर्ट फॉर्म स्पेशली इन पोएट्री सिंपथी ज़रूर अरोज होना चाहिए, कोई भी पोएट्री है तो। ये कहा जा सकता है कि पी बी शैली के लिए सिंपथी एक की एलिमेंट थी। It is through reason, but also through imagination that we can identify beauty in the world. शैली कहते हैं कि reason तो साथ ही साथ imagination के through भी हम लोग इस world में beauty को identify कर सकते हैं। और इसी तरह की perception और realization की वजह से आज कई सारे अच्छे अच्छे civilization, great civilization exist हुए हैं। तो शैली के हिसाब से poet जो है वो maker है civilization के। आप शैली पोएट के बारे में बताते हैं, पोएट कौन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं, तो वो डिफाइन करते हैं कि पोएट एक ऐसे आदमी होते हैं जिनके अंदर काफ़ी इमेजिनेशन होता है और उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि दो अलग अलग चीज़ें जो दिखने में अपेरेंट नहीं है एकदम ही अलग अलग है उन दोनों चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनाना। पोएट वो है जिनको एक्सेस ऑफ लैंग्वेज आती है और जिनका काम ये है कि अपने एक्सपीरियंस के प्लेजर को ऑब्जर्वेशन को एज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री में इम्पार्ट करना। क्यों करते हैं आज तक जो भी सिविलाइजेशन एडवांस हुई है या थ्राइव कर रही है उसमें पोएट्री का काफ़ी हिस्सेदारी है। शैली के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सारे जो अजम्पशन उन्होंने बताया उसके हिसाब से शैली बताते हैं कि पोएट्स जो है उनके हिसाब से एक प्रॉफिट है। तो पोएट एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन को ना सिर्फ डिस्पेंस करते हैं बल्कि एक ऐसे ही पर्सन है जो कि इटर्नल और इन्फिनाइट चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और साथ ही साथ पोएट वो है जो कि इमेजिन करे और एक्सप्रेस करे इनडिस्ट्रक्टिबल ऑर्डर्स को। या आर्किटेक्चर स्टेचरी एंड पेंटिंग के मास्टर्स है। पोएट्स जो है लॉस के इंस्टीट्यूटर है, सिविल सोसाइटी के फाउंडर है, साथ ही साथ आर्ट ऑफ लाइफ के इन्वेंटर भी है और साथ ही साथ एक अच्छे टीचर भी है। अपने इस एसे के अंदर शैली ने स्टोरी टेलिंग और पोएट्री के बीच में भी डिस्टिंक्शन फॉर्म किया है। शैली ये आर्ग्यू करते हैं कि एक स्टोरी जो कि पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर लिखी गई हो वो एक मिरर है और उस स्टोरी को या तो निखारा जा सकता है या तो डिस्टॉर्ट बिगाड़ा भी जा सकता है पोएट के विल के अकॉर्डिंग। मगर पोएट्री एक ऐसी मिरर है जो कि डिस्टॉर्टेड या बिगड़े हुए चीज़ों को भी खूबसूरत बना देती है। इसीलिए जो पोएट्री जो है इस वर्ल्ड को एक आईने की तरह दिखाती है, वो इस तरह से इस वर्ल्ड को शो करती है कि कोई डिस्टॉर्टेड इमेज भी काफ़ी खूबसूरत लगने लगता है। और पी बी शैली ने पोएट्री को डिवाइन और ऑर्गेनिक प्रोसेस कहा है और ये भी कहा है कि पोएट्री एक ऐसी मिरर है जो कि ब्यूटीफुल बनाती है वो सारे चीज़ों को जो कि बिगड़े हुए हैं या डिस्टॉर्टेड है। फर्दर शैली पोइट्री की क्रिटिकल हिस्ट्री को बताते हैं थ्रू आउट द एजेस। वो कहते हैं कि पोइट्री की शुरुआत क्लासिकल वर्ल्ड से हुई थी, फिर क्रिश्चियन एरा में, देन मिडिल एज और आज वो प्रेजेंट एज में हैं। और शैली ये कंसिडर्ड करते हैं कि किस तरह से ये हर एज में पोएट्स जो है उनका एक मोरल इन्फ्लुएंस रहा है इस वर्ल्ड के ऊपर और जो भी सिग्निफिकेंट रोल पोएट ने प्ले किया है और जो पोएट और पोइट्री की वर्थ रही है शैली के हिसाब से इनकी वर्थ काफ़ी डिवाइन है। शैली आर्ग्यू करते हैं जब रोमन सिविलाइजेशन का फॉल हुआ और क्रिश्चियन रिलीजन इस्टेब्लिश हुई तो ये पोएट ही थे जिन्होंने इस वर्ल्ड को बर्बादी से बचाया। जो ये वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से अनार्की और डार्कनेस से घिर जाती, मगर उस वक्त भी पोएट आए क्रिश्चियन और शिवालरिक सिस्टम ऑफ मैनर और रिलीजन के ऑथर जो कि पोएट का काम कर रहे थे और ऐसे ओपिनियन और एक्शन को इमेजिन कर रहे थे या कंसीव कर रहे थे जो कि इससे पहले नहीं की गई है।
शेली को लगता है मिडिवल पोएट जैसे कि दांते वो ब्रिज का काम कर रहे थे एंशियंट और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच में। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर शेली आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्या पोएट्री में भी मोरालिटी थी। शेली आर्ग्यू करते हैं पोएट का पर्पस यूटिलिटेरियन था, जिसका मतलब है प्रैक्टिकल होना इंस्टेड ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, क्योंकि पोएट्री भी जो है इस वर्ल्ड के हिडन ब्यूटी के ऊपर से पर्दा उठाने का काम करती है, और साथ ही इस पोएट्री का मोरल पर्पस भी है, क्योंकि पोएट्री ने कई सारे सिविलाइजेशन के माइंड को अवीक और इनलार्ज किया है। हजारों अनएप्रिहेंडेड, मतलब ऐसे थॉट्स जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट देखकर शेली अपने इस एसे को एक फेमस लास्ट लाइन के साथ एंड करते हैं, जिसमें वो कहते हैं पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट का की ट्रीट यही था कि रैशनलिज्म को रिजेक्ट करना, जो कि एनलाइटमेंट पीरियड में काफी डोमिनेंट था। शेली के हिसाब से यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि रैशनल इंक्वायरी के थ्रू अटेंड की जा सके या अचीव की जा सके, बल्कि हमें यूनिवर्सल ट्रूथ को समझने के लिए इमोशन को डीपर और प्रोफाउंड सेंस में समझना होगा। इस पोजीशन को किसी ने समझ लिया वो आसानी से शेली के जो प्रेफरेंस था इमेजिनेशन ओवर द रीजन क्रिएटिंग बेटर वर्ल्ड, ताकि एक अच्छा वर्ल्ड बन सके, तो शेली की इस प्रेफरेंस को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये थी पीबी शेली की वन ऑफ द फेमस क्रिटिसिज्म अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। मैंने इस क्रिटिसिज्म को काफी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए स्टडी वेल।